एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुनके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार लो कॉस्ट मार्केटिंग हमें करोड़ों रुपयों का फायदा करवा देती है, बशर्ते आइडिया और एग्जीक्यूशन काफी अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही क्या एलजी ने? एलजी ने एक बार एक फेक ऑफिस बनवाया और उसकी विंडो पर एलजी का अल्ट्रा एचडी टीवी लगवाया, मानो वही एक विंडो हो और उसमें से सिटी का नजारा दिख रहा हो। फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठते, उन्हें विंडो पर एक बहुत बड़ा सा मीटियोराइट सिटी पे गिरते दिखता, जिससे तबाही मचते दिखती और वो तबाही ऑफिस की तरफ आते दिखती। सडनली लाइट चली जाती और साउंड इफेक्ट की वजह से तबाही का मंजर सुनाई देता, जिससे कैंडिडेट पूरी तरह से घबरा जाता। ये प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों द्वारा देखा गया और इस लो कॉस्ट प्रैंक वीडियो की वजह से एलजी को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। गाइज, आपको एलजी का ये प्रैंक वीडियो मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात ये है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। ये अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।